भैया गाजीपुर का नगर पालिका परिषद बेहया भी है बेशरम भी है। और कभी पोखरी पाट जाए ऐसे ही पोखरी पाट जाला सारा कचरा गंगा में डालता है और पूरे शहर का प्रदूषण और बेशरम डीएल है आपके पास? डीएल है। अच्छा डीएल नहीं है, डीएल है मेरे पास। कहाँ है तो दिखाओ ना। अभी नहीं लिया है ना इस बार। क्यों नहीं लिए? मेरे पास है डीएल है तो लिए क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? जमा किया है ना। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जेसीबी चालक है और यह टाटा 315 की जेसीबी है और डीएल नहीं है। होगा तो घर पर होगा, कहाँ है मैं नहीं जानता। यह है नगर पालिका परिषद और इनके एक भी गाड़ी पर नंबर नहीं लगा है, एक भी गाड़ी पर नंबर नहीं लगा है और यह कहने का कोई असर भी नहीं है, कोई असर नहीं है। 10 गुना चार्ज हो गया। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो आपकी गाड़ी की चलान होगी और अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो भी चलान होगी, तेज चला रहे हैं तो भी चलान होगी, इंश्योरेंस नहीं है तो भी चलान होगी और इनकी गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। देखिए पता नहीं, देखते हैं किसी का नंबर होता है तो मैं बोलता हूँ। हेलो, हाँ सीओ सिटी साहब बोल रहे हैं? हाँ सीओ सिटी साहब बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा था। भाई साहब कहना यह था कि नगर पालिका परिषद गाजीपुर की जितनी गाड़ियाँ हैं एक पर भी नंबर नहीं लगा है, चाहे वो ऑटो हो, जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, लगभग 3 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ एक पर भी नंबर नहीं लगा है। मैं चाहूँगा जांच करके और सभी गाड़ियों पर नंबर लगवाएं अथवा सीज किया जाए। ठीक है भाई साहब, मीटिंग के बाद दिखवाइए और कार्रवाई हो। धन्यवाद। यह है गाजीपुर के सीओ सिटी। मैंने बताया इनके 3 दर्जन गाड़ियां हैं, कह रहे हैं कि मीटिंग में साहब, मीटिंग से निकलता हूं तो दिखवाता हूं। कितना दिखवाएंगे? सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का कोतवाल। नगर पालिका परिषद सत्तासीन दल के एक तरह से हुक्म का पालन करेंगे अधिकारी। सीओ सिटी लाइन पर मिल गए, मैंने इनको दिया लाइन पर और यह कितना भी कहने के बाद कोई असर नहीं है, आप महसूस करिए। अभी बैठ करके यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहाँ बगल में आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और यह इतना चलने वाला रास्ता है, बिहार को जोड़ता है ना भैया, बिहार को जोड़ता है ना, बगल में गंगा जी है। चलिए और मैं कचरा दिखाता हूँ, कचरा कचरा जैसा दिमाग है, इसी पोखरी में यह सारा कचरा जा रहा है। यह है स्वच्छ भारत मिशन, ये प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत और यह बेशर्मी से नगर पालिका का चेयरमैन और इनके लोग रैली भी निकालते हैं। वाह, स्वच्छ भारत हो गया। पूर्व के अभी सांसद केंद्रीय मंत्री बड़ी बड़ी रैलियां निकाले मनोज सिन्हा जी, अब नहीं है और अब अफजाल अंसारी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मनोज सिन्हा के भी गुड सेंस की कामना करता हूँ। यहाँ 2 विधायक हैं, एक वीरेंद्र यादव है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव और एक संगीता बलवंत है। यह किस में आता है बताइए? संगीता बलवंत, संगीता बलवंत में आता है। उस पर किसका आता है? नगर पालिका में नहीं आता है। उधर वीरेंद्र यादव का समाजवादी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जंगीपुर है वह। देखिए भैया, यह गाजीपुर सदर है विधानसभा और इधर है जंगीपुर। जंगीपुर के डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, जिनके पिताजी भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इधर हैं डॉक्टर संगीता बलवंत, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। संगीता का नंबर नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन कौन से नंबर बदल दी है। तो
नंबर किसी के पास है? हाँ, माने का संगीता का नंबर नंबर है आपके पास? नहीं है, कुछ नहीं है। यो भी कोई शर्म नहीं है साहब, सारी गायों को बाल डाला, मैंने वीडियो दिखाया था ना, सारी गायों को तड़पा तड़पा के बाल डाला। अरे यो, यो और इनके लोगों ने भूसा खा गए, खली खा गए, चुन्नी खा गए, गाय के नाम पर गुड़ खा गए, तेल खा गए, एक लालू से भी बढ़ करके शर्म नहीं है। संतोष डीएल लेकर के चलना है, और इंश्योरेंस तो कुछ होगा नहीं गाड़ी का? कुछ नहीं है। एक बार फिर इस जेसीबी को दिखाइए, फिर एक बार दिखाइए जेसीबी को, और उधर जूम करके दिखाओ। नगर पालिका परिषद है तो मैं भी देखता हूँ। नगर पालिका परिषद गाड़ी रोकेगा कौन? इसकी मजाल है जो रोक करके पंगा लेगा और अपना ट्रांसफर करवाएगा। जियो सर चपे रहो, रोकेगा कौन? इसकी मजाल, इसकी मजाल है जो रोक देगा। चलाओ यहाँ से लेकर जाओ, जाते हो एसपी साहब के ऑफिस से होकर के, डीएम साहब के ऑफिस से होकर के, वो अलग भी देखेंगे। एसपी को भी नौकरी करना है, डीएम को भी नौकरी करना है, कौन पंगा लेगा? हमारा वीडियो अलग भी देखते हैं। डीएम साहब कार्रवाई कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। आप युवा अधिकारी हैं और अच्छे हैं, मन से काम भी करते हैं, कार्रवाई कराइए। मैं तो कई वीडियो किया, इनके जितने ऑटो हैं नगर पालिका परिषद आपके स्वच्छता का क्या क्या सब लगा करके करते हैं, एक एक भी ऑटो पर है? किसी ऑटो पर नंबर उसमें नहीं है सर। चलो बताओ ना, सही बात बताओ, बताने में क्या लगा? एक भी ऑटो पर नंबर नहीं है, नंबर एक, एक भी ट्रैक्टर पर नंबर नहीं है, नंबर दो, एक भी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उस पर नंबर नहीं है। कै जी सी भी है आपके पास? हमारे पास दो है। दो हैं, 3DX है, 2DX। अच्छा, तो नो 2DX पर है ना? 3DX पर नहीं, किसी पर रही है। 5DX आएगी तो उस पर भी नहीं रहेगा। ये है साहब, कौन लड़ेगा इनसे? और लड़ेंगे तो ये मुकदमा करा देंगे आपके ऊपर। ये कहेंगे कौन पैदा हो गया जो मदांध सत्ता के आगे आकर के और इस तरह से ताल ठोक रहा है? चेयरमैन समय माफ नहीं करेगा। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ के, विधायक और सांसद, समय माफ नहीं करेगा। मैं इनके गुड सेंस की कामना करता हूँ। दोस्तों बता दें, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखेगा नहीं यहाँ से, या कुछ भवन है इसके बाद गंगा का किनारा, सारा कूड़ा और कचरा यहाँ से लेकर के गंगा किनारे, बताइए पूरा रोड पर है गंगा और कचरा इधर से ही। अरे क्या नहीं है बताओ ना, हम उधर मट्टी डल हमको उसी ने कचरवा पर मिट्टिया डाल दी हो, यही ना कह रहे हो? कचरा खत्म हो गया क्या बेटा? नहीं सर। तो और सुनो, यह जो पानी में डाला जा रहा है यह भूगर्भ जल से जुड़ेगा, यह जहरीला, भीतर का भी पानी जहरीला होगा। बेटा नौकरी करना है, आप नौकरी करो, कर क्या सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है? कितना पैसा देते हैं? संविदा पर भी नहीं हो, आउटसोर्सिंग पर हो तो हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ प्यार से बात करो। आउटसोर्सिंग पर हो, मुझे क्या नहीं पता है क्या होता है, मुझे क्या नहीं पता है कितना कमीशन खोरी कौन करता है, सब पता है। और यह भी पता है तुम्हारी मजबूरी क्या है, यह भी मैं जानता हूँ। इससे कहूँ बताओ, जिससे कहो बोले साहब, कान में तेल डाल करके पड़े हुए हैं। यह स्थिति है, यह लोग भी क्या करें बेचारे, अगल बगल अपना झेल रहे हैं। यह भी देखिए, मिट्टी डाल के कचरा पाटेगा और पोखरी पट जाएगी तो ओम नमः शिवाय का खेल होगा। इस ओम नमः शिवाय के खेल में SDM शामिल होगा, लेखपाल शामिल होगा, कानूनगो शामिल होगा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल होगा, और इस सारी पोखरियों का हो जाएगा पट्टा। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, हिंजलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदर्श के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रतिपादित किया कि जल स्रोत नहीं पाटे जाएंगे, यदि पाटे गए तो 1952 के पूर्व की स्थिति में उसे लाया जाएगा। साहब इंक्रोचमेंट हो रहा है और नाश कर दिया इन लोगों ने, देख लो। चलिए भैया, आज हमने फिर अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया बेटा संतोष, डीएल लेकर के चलो, ठीक है? और कितना मिलता है बेटा? कितना मस्त है, मस्त लगेगा आपका। 10,000, खेल कुछ और होता है, 10,000 तुम्हें मिलता है बेटा, यही सब है। आवाज उठेगी क्या? और तुम अगर जेसीबी से चापा डाल दोगे तो तुम्हारी जमानत नहीं होगी, जेल में सड़ जाओगे, समझे? और जिम्मेदारी वालों पल्ला झाड़ लेंगे, कहेंगे तो था ही नहीं, पता नहीं, चोरी से रिपोर्ट तुम्हारे ऊपर दर्ज करा देंगे रिपोर्ट, ये समझ लो। अपनी जान बचाने के लिए संतोष की गर्दन नाप लेंगे, और संतोष को यह नहीं पता है कि हमें करना क्या। चलिए भैया, आज गंदे लोगों के गुड सेंस की कामना एक बार फिर करता हूँ और अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, बता देना अपने साहब से।
नाम हमारा ब्रजभूषण दुबे है, हमें चेयरमैन चेयरमैन साहब से और सबसे बता देना है, वीडियो देखे है ना सर, साहब का पता है और मेरे पर हाथ नहीं डालेंगे, उनका माइनस है, मेरा माइनस कोई एक भी माइनस नहीं है, बता देना उनसे, देखते भी हैं लोग। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से पूरा भ्रष्टाचारियों और गंदे लोगों को एक बार ललकारते हुए धन्यवाद, सादर नमस्कार।